पहले तो आप सभी का स्वागत और धन्यवाद, आप इस इंटरेक्शन मीटिंग में आए। मैंने आज ही सुबह यहाँ पे ऑफिस का चार्ज दिया है और ड्रग्स की जहाँ तक बात है तो माननीय, जैसे आप गवर्नर साहब की भी बात कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी लोग इसको प्रायोरिटी नंबर वन और टास्क नंबर वन बनाया गया है और इस पर मेरी जो यहाँ की टीम है इनसे आज एक मीटिंग रखी गई है इवनिंग में। सबसे परिचय भी होगा और यहाँ की जो ड्रग्स को डील किस तरह किया जाए और किस तरह से इस प्रॉब्लम में हम पब्लिक का सहयोग ले सकते हैं, आपका सहयोग ले सकते हैं और कैरेट और स्टिक पॉलिसी जैसे कहते हैं कि जहाँ हमारी इंटरवेंशन से जो ड्रग्स के डीलर है उनको पकड़ने का है उनको किस तरह से किया जाए और जो बच्चे इसमें नहीं जाएँ अवेयरनेस के माध्यम है और उनको एक इस रास्ते जाने से रोकना है, उन दोनों कार्यों पे हम कार्य करेंगे। मैं अपनी टीम से मिलके यहाँ का फीडबैक लेके, यहाँ के SHO से मिलके यहाँ का फीडबैक लेके, जनरल पब्लिक के लोगों से जो फीडबैक आएगा और साथ में आपके माध्यम से जो फीडबैक आएगा, तो मुझे लगता है पहले दिन के लिए कोई रणनीति स्पेसिफिक आपसे शेयर करना अभी संभव नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जल्द इस पर आपको निश्चित तौर पर कांगड़ा जिला में अच्छा कार्य जो है करके हम आज ही जो DSP कंसर्न है, DSP देरा, उनसे इस केस के बारे में चर्चा की है मैंने और मैं जल्द मौके पे भी इस केस में जाऊंगी। और आपका जैसे इशू है कि एक्सेसिबिलिटी और देरा थाने से काफ़ी लंबा एरिया लगता है और शायद ये मुझे बताया गया है कि रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा है, तो उसको किस तरह से कम किया जाएगा और किस तरह से इस पर हम पुलिस का मूवमेंट और एक्सेसिबिलिटी और साथ में पुलिस का प्रेजेंस कैसे इनिशिएट करें, तो मुझे लगता है यहाँ से हेडक्वार्टर से इस पर कुछ भी कमेंट करना ठीक नहीं है। एक बार मैं साइट विजिट करूँ, लोकल टीम से बात करूँ और उसके बाद डेफिनेटली, क्योंकि मुझे बताया गया कि ये घटनाएँ जो है ऊना से जो हमारे साथ में एरियाज इस तरह के बफर जोन बने हुए हैं वहाँ पर कुछ इस तरह की समस्याएँ आ रही हैं, तो वो भी निश्चित तौर पे वहाँ की लोकल टीम और उनसे फीडबैक लें और पुलिस प्रेजेंस जो है सब जगह बढ़े इसके लिए रणनीति हम बनाएंगे। इसलिए या कोई भी जो जगह हम जहाँ पे कार्य करते हैं वहाँ के अपने पर्टिकुलर चैलेंजेस होते हैं। धर्मशाला वर्ल्ड रेनाउंड एक टाउन है और यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट जो हस्तियाँ हैं वो यहाँ पे स्टेशन है। इसके साथ जैसे बॉर्डर की बात की तो कुछ हिस्सा हमारा बॉर्डर जो है हम दूसरे स्टेट से शेयर कर रहे हैं, वास्ट एरिया है, काफ़ी बड़ा एरिया है, जनसंख्या के हिसाब से भी प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, तो ये सब चैलेंजेस इस जगह को यूनिक तो बनाते हैं। और क्योंकि हमारा जो पुलिसिंग का परिप्रेक्ष्य है वो पिछले कुछ सालों से काफ़ी चेंज हुआ है, जैसे साइबर क्राइम और हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं, ये सब नए हमारे चैलेंजेस हैं जो उभर के आए हैं, तो डेफिनेटली एक चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी तो है और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद भी करूँगी कि उन्होंने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और आप सबके सहयोग से और पब्लिक के सहयोग से हम लोग चाहेंगे कि हम इस पर अच्छा कार्य करें। जैसे मैंने पहले कहा, आज ही मैंने जस्ट ज्वाइन किया है तो एक बार मैं अपनी टीम के साथ रणनीति बना के हर एक जो हमारे फोकस एरिया और इस ज़िला स्पेसिफिक जो प्रायोरिटीज़ हैं उस पर हम अपनी चर्चा करके आने वाले समय में आपसे दोबारा रूबरू होंगे और जो जो प्रायोरिटी एरियाज हैं उन पे हम डेफिनेटली आपको फ्यूचर में प्रोग्रेस देंगे। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगरोटा बंगवा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। एडमिशंस ओपन नर्सरी LKG UKG टू 12th साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स। कॉन्टैक्ट अस एट 7018505775 8091711062। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।